नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। वूमन अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। अगर हम उसको मैन के साथ कंपेयर करें, शी इज़ समवन हु इज़ मोर कनेक्टेड टू द अर्थ, मोर कनेक्टेड टू हर ओन बॉडी। फॉर अ वूमन इट इज़ मच ईजियर टू बी मेडिटेटिव, इट इज़ मच ईजियर फॉर हर टू बी डिवोशनल, इट इज़ मच ईजियर फॉर हर टू गो ऑन द स्पिरिचुअल पाथ एज कम्पेयर टू मैन। And when I say she is more connected to the earth as compared to man, it's because she is more of the earth as compared to man. तो आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ अ स्पेशल वुमन ओनली, इट्स कॉल्ड द कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस। तो आज हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस की। हाई प्रीस्टेस का जो नंबर है वो हम देखते हैं ऊपर 2 है। अगर हम अकल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अकल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर जो है वुमन का प्रिंसिपल माना जाता है, और जो 1 नंबर है वो मैन का प्रिंसिपल माना जाता है। और जब भी हम वुमन की बात करते हैं, इट्स लाइक शी इज़ लाइक फुल ऑफ मिस्ट्री एंड शी हैज़ लाइक सो मैनी सीक्रेट्स विच इज़ इनसाइड ऑफ हर। वुमन डजंट जस्ट ओपन हर सेल्फ लाइक वेरी क्विकली, इट टेक्स टाइम टू रिवील वॉट इज़ एक्चुअली इनसाइड ऑफ हर। इसीलिए द कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस इज़ द मोस्ट मिस्टीरियस कार्ड इन द टैरो डेक। द एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट फॉर द हाई प्रीस्टेस इज़ द मून, और उसका एलिमेंट है वाटर। अब हम इसके थोड़े पिक्चोरियल में जाते हैं। पिक्चोरियल में हम देखते हैं कि एक वुमन जो कि 2 पिलर्स के बीच में बैठी है, एक तरफ ब्लैक पिलर है और एक तरफ वाइट पिलर है, और वुमन के पीछे जो है देयर इज़ अ वेल, एक पर्दा लगा हुआ है। आप देखेंगे कि इस वुमन ने सर के ऊपर जो है देर इज़ अ मून, ऑन द चेस्ट देर इज़ अ क्रॉस, और पैरों में एक है क्रेसेंट मून। अब हम इसके जो है गहरे मीनिंग में उतरते हैं। द कार्ड ऑफ मैजिशियन स्टैंड्स फॉर एक्शन, बट व्हेन इट कम्स टू द हाई प्रीस्टेस इट स्टैंड्स फॉर टोटल स्टिलनेस एंड सेंसिटिविटी। हाई प्रीस्टेस अपने आप में एक बहुत ही स्टिल कार्ड है। जब भी ये आपकी रीडिंग में आएगा, ये आपको बोलने की कोशिश करता है कि जस्ट बी देयर, ट्राई नॉट टू गो आउट इन द वर्ल्ड, ट्राई नॉट टू गो आउट एंड गेट बिजी विद एनीथिंग, एंटरटेन योर सेल्फ फॉर एनीथिंग, दिस इज़ द टाइम टू लुक इनवर्ड्स। इसके सिम्बोलिज्म में हम देखते हैं एक तरफ जो है ब्लैक पिलर है और एक तरफ वाइट पिलर है। जो ब्लैक और वाइट पिलर है वो स्टैंड करता है 2 अपोजिट फोर्सेस के लिए, मेल एंड फीमेल, यिन एंड यांग, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह के 2 अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो शो करता है। और हाई प्रीस्टेस के पीछे जो है आप एक पर्दा लगा हुआ देखते हैं, पर्दा जो है उसके ऊपर जो है आप पोमेग्रेनेट देखते हैं, और एक डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं आपको उसमें दिख रहे हैं। ये सिंबल है अबंडेंस का, वाइटिलिटी का और फर्टिलिटी का। अब जो है अगर हम हाई प्रीस्टेस को देखें तो उसके सर पे एक जो है एक देर इज़ अ मून एंड ऑन द ग्राउंड देर इज़ अ ऑल्सो अ क्रेसेंट मून। मून जो है वो बहुत गहरे तल पे जो है हाई प्रीस्टेस के साथ जुड़ा हुआ है। इट्स लाइक शी गेट्स हर विजडम फ्रॉम द मून। मून के साथ जो रिलेशनशिप है हाई प्रीस्टेस का वो बहुत गहरा जाता है। उसका जिस तरह से मून के 3 फेसेस हैं, व्हेन इट इज़ बिगिनिंग, व्हेन इट इज़ फुल एंड व्हेन इट इज़ एंडिंग, उसी तरह से वुमन के भी जो है लाइफ के 3 फेसेस हैं। 1 व्हेन शी इज़ यंग, 2 व्हेन शी इज़ फर्टाइल, एंड 3 व्हेन देर इज़ अ मेनोपॉज। पुराने टाइम में लोग मून, सी और वुमन को एक ही मानते थे, क्योंकि जो एक के साथ घटता था वो 3 के साथ घटता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो टाइड जो घटती है सी में, इट्स जस्ट एन इफेक्ट ऑफ द मून, बिकॉज ऑफ द मून इट इज़ हैपनिंग, बट इट इज़ ऑल्सो हैविंग एन इफेक्ट वेरी डीपली ऑन द वुमन इमोशंस। द सेम वाटर विच इज़ लाइक गोइंग हाई इन द टाइड, द सेम वाटर इन साइड ऑफ द वुमन इज़ ऑल्सो गोइंग हाई, मेकिंग हर मोर इमोशनल एंड वनरेबल एट दिस दैट टाइम। इट्स नॉट दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग विद द मैन, बट इट इज़ मोर हैपनिंग विद द वुमन। और हम देखते हैं कि हाई प्रीस्टेस ने अपने हाथ में एक किताब ली हुई है, और किताब का नाम है टोरा।
और टोरा जो है वो स्टैंड करता है विजडम के लिए और नॉलेज के लिए। अब इसके पीछे जो है एक जो पर्दा लगा हुआ है वो एक सिंबॉलिज्म है कि दैट देयर इज अ मिस्ट्री दैट दिस वुमन इज होल्डिंग, कि दैट देयर इज अ सीक्रेट व्हिच दिस वुमन इज होल्डिंग इनसाइड ऑफ हर। और वो सीक्रेट तभी जो है आपको आपके सामने आएगा जब आप रेडी होंगे। सो वेन एवर द हाई प्रीस्टेस कार्ड इज कमिंग, इट इज ट्राइंग टू टेल यू, यू नो दैट यू हैव कम टू अ स्टेज इन योर लाइफ वेयर अ मिस्ट्री कैन बी टोल्ड टू यू, वेयर यू आर रेडी फॉर सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, वेयर यू रेडी टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ। दैट्स वॉट द हाई प्रीस्टेस इज टॉकिंग अबाउट। हाई प्रीस्टेस के साथ एक एलिमेंट और है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कार्ड ऑफ इनिशिएशन। इसका ये मतलब है कि एक ऐसी स्टेज आपकी लाइफ की जो कि आ गई है जिसके अंदर आपको इनिशिएट किया जा सकता है लाइफ के डीपर सीक्रेट्स के लिए, या फिर कोई एक ऐसा मैसेज जो कि यूनिवर्स से आपकी तरफ आना चाहता है और उसके लिए आप रेडी हो गए, वो कहीं ना कहीं शो करता है। हाई प्रीस्टेस कार्ड एक चीज़ और जो बताता है, एक हमें और इंडिकेशन देता है कि आपको वो इंडिकेट करता है कि आप अपनी ड्रीम्स की तरफ ध्यान दीजिए। व्हाट वर योर ड्रीम्स, व्हाट डिड यू ड्रीम लास्ट नाइट, या फिर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट ड्रीम जो आपके माइंड में हो जो कि आप भूले ना हो। हाई प्रीस्टेस इज गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट ऑफ दैट, दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट हियर। तो जब भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपकी रीडिंग में आए, इट इज़ ट्राइंग टू टेल अस दिस इज द टाइम यू हैव टू लुक विद इन योर ओन सेल्फ, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइम बिकॉज सम काइंड ऑफ अ सीक्रेट इज रिवील्ड टू यू। आप ये समझिए कि एक स्पेशल फोर्स है जो आपको जो है ब्लेस कर रही है हाई प्रीस्टेस के थ्रू। हाई प्रीस्टेस जो है वो एक बहुत ही एक प्योरिटी का कार्ड है। The priestess in herself is, she is a very pure soul. तो जब भी प्योर सोल जो है जब आपसे जुड़ती है तो वो आपको जो है कुछ सीक्रेट्स रिवील करके जाती है और वो आपको हेल्प करती है लाइफ में। सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर द हाई प्रीस्टेस। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।